पुलवामा की घटना पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहना था वो कह दिया है, सेना को पूरी छूट दे दी गई है और हर व्यक्ति उस पर टिप्पणी करे ये आवश्यक नहीं है। आज कांग्रेस ने निशाना साधा है, कांग्रेस ने कहा है जिस वक्त सेना पर हमला हो रहा था पुलवामा में, प्रधानमंत्री अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी थे। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि जब देश के ऊपर इतना गंभीर हमला हुआ है, ऐसे वक्त में हमें एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के बजाय बैठकर ये मंथन करना चाहिए कि इन समस्याओं से समाधान का रास्ता क्या है, और उसके लिए सभी पार्टियों को एकजुट होकर देश के प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। कांग्रेस में जिस तरीके से राहुल गांधी ने शुरुआत में कहा था कि हम सरकार के साथ हैं, कोई बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन 7 दिन ही अभी बीते हैं और इस तरीके की बयानबाजी, इसीलिए मैंने कहा कि जब देश पर आतंकी हमले हो रहे हों तो ये ऐसा वक्त नहीं होता है जब हम राजनीति करें, आरोप प्रत्यारोप लगाएं, बल्कि ये वक्त होता है एकजुट होने का और अपने सारे राजनीतिक जो डिफरेंसेस हैं उनको भूलकर देश की जो वर्तमान सरकार है और जो वर्तमान नेतृत्व है उसके साथ डटकर खड़े होने का, ताकि हम बाहरी ताकतों का मुकाबला कर सकें। 370 हटाने का वक्त आ गया है इस वक्त। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहती। आज सपा और बसपा की अपनी लिस्ट सामने आ गई है जिसमें 38 सीटें बसपा को मिली हैं, 37 सपा को मिली है, क्या कहेंगे? देखिए, दोनों पार्टियों का गठबंधन है, दोनों के बीच में सीटों का बंटवारा हुआ है, लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, तो बड़ी जायज़ सी बात है कि प्रत्याशियों की घोषणा तो पार्टियां करेंगी ही। लेकिन इस बीच मुलायम सिंह जी का बयान आया है कि अखिलेश ने सही काम नहीं किया, पूछा नहीं उससे, भाजपा की ज़्यादा तैयारी। अभी इसको तो समाजवादी पार्टी का अंदरूनी झगड़ा, उन्हें स्वयं बैठ के सुलझाना है। इससे पहले जब आपने देखा था कि विधानसभा चुनाव थे उस वक्त भी समाजवादी में कलेश था, गृह कलेश था, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था, क्या लगता है इसका खामियाजा? अब ये आप वोटरों पर छोड़ दीजिए। बीजेपी से आपका लगा जो गठबंधन है वो इस बार थोड़ा सा तीखी चीजें चल रही है, उसको लेकर की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमें कुछ समस्याएं आईं और उनको हमने शीर्ष नेतृत्व के सामने रखा भी और हमने उन्हें समय भी दिया, 20 फरवरी तक हमने उन्हें समय दिया कि इन समस्याओं का समाधान करें, लेकिन उन्होंने इन समस्याओं का समाधान नहीं किया। इससे यही प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगी दलों की जो शिकायतें हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है और उन समस्याओं के समाधान में कोई रुचि नहीं है, इसलिए अपना दल अब स्वतंत्र है अपना रास्ता चुनने के लिए। तो अब क्या लगता है, गठबंधन आगे नहीं चलेगा? हमारी पार्टी की बैठक हमने बुला ली है, हमारी पार्टी जो तय करेगी वो हम करेंगे। क्या प्रत्याशी खड़े करेंगे आप? हमारा पार्टी संगठन पूरी तरीके से तैयार है। इस बार अलग आगे की क्या मैंने कहा कि हमने पार्टी की बैठक बुलाई हुई है, पार्टी बैठक में जो चर्चा होगी वो आपके सामने भी आ जाएगा।